मंडी जिला के पंडोह में हुए हिट एंड रन मामले में पुलिस ने पंजाब की ओर से मनाली जा रहे एक पर्यटक वाहन को पकड़ लिया है। वाहन चालक को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है, जबकि पर्यटक वाहन जब्त कर लिया गया है। सीसीटीवी व तकनीकी जांच के सहारे पुलिस आरोपी तक पहुंची। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। सूचना मिलने पर पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल की तो पंजाब नंबर वाहन को ट्रेस किया गया। सीसीटीवी व तकनीकी जांच से कड़ियां मिलाती हुई पुलिस बीते रविवार को मनाली पहुंची और यहां पर्यटक वाहन को जब्त कर लिया, जबकि आरोपी चालक गुरपिंदर सिंह पुत्र लखविंदर सिंह निवासी जसोवाल होशियारपुर पंजाब को गिरफ्तार किया। 5 तारीख की सुबह 4:30 बजे एक 70 साल के बुजुर्ग को एक गाड़ी जो पंजाब की ओर से आ रही थी कुचल के भाग गई थी, जिसको हमारी टीम ने पिछले कल जो है वो मनाली से पकड़ लिया है और गाड़ी जो है वो आप देख सकते हैं हम चौक की आहते में खड़ी कर दी गई है। और जो बुजुर्ग हैं उनकी टांग का आज ऑपरेशन हुआ है, उनकी टांग में काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है और इसके गाड़ी मालिक जो है उसके खिलाफ हमने 287, 337, 138, 187 MB एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16।